Dear Madam, respected VC Madam, our special guest, special Chief Secretary to Andhra Pradesh, Telangana, Shri Mishra Ji, Shri Gupta Ji, सभी ट्यूनीशिया से आए हुए हमारे स्पेशल गेस्ट, डियर फ्रेंड्स, नीलिमा मैडम को आपने सुना, काफ़ी कुछ वो बातें जो मुझे कहनी चाहिए थी वो उन्होंने कवर किया। सबसे पहले मैं ईलैट्स का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी वर्कशॉप कानपुर को प्रोवाइड की। आप सभी साथी इस बात के गवाह हैं, पिछले 1.5-2 सालों से इस प्रोजेक्ट के तहत कानपुर शहर ने, आप सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। हम कहां से चले थे और आज हम लोग कहां पर स्टैंड करते हैं। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम लोग इस वक्त कहाँ स्टैंड करते हैं ये आप लोग अब भली भांति परिचित हैं। स्मार्टनेस इन पर्सन और स्मार्टनेस विद इन द सोसाइटी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आप इंडिविजुअल को, सभी इंडिविजुअल्स का टोटल करेंगे तो आपको सोसाइटी का टोटल सामने दिखाई पड़ेगा। हम लोगों ने कोशिश की कि सभी सेगमेंट्स में, पर्टिकुलरली जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें बहुत इजाफा होना चाहिए। ये सिटी से संबंधित प्रोजेक्ट है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। अर्बन डेवलपमेंट की अपनी टिपिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सब लोग जानते हैं, और पर्टिकुलरली व्हेन यू आर वर्किंग टू ट्रांसफॉर्म एन ओल्ड सिटी इनटू ए न्यू वन, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेट द वर्क डन। At the same time, this is not the case of Kanpur itself. Most of the cities are facing such problems. It's really very easy to build a new city, but it's very difficult to transform an old city into a smart city. बहुत सारे drawbacks होते हैं, problems होती हैं। Traffic, जहाँ से traffic गुजर रहा है आप ट्रैफिक को डाइवर्ट करेंगे, एक रोड का ट्रैफिक दूसरे रोड पर आप शिफ्ट करना चाहते हो क्योंकि पहले वाले रोड पे हम लोग कुछ बनाना चाहते हैं। अब आप सोचिए, पहले ही इतनी ज़्यादा मोटर व्हीकल्स हैं, पेडेस्ट्रियंस हैं, साइकिलिस्ट हैं, ऑटो वाले लोग हैं, और अब आप वहाँ काम करने की इच्छा रखते हो और वहाँ से ट्रैफिक को इधर ले जा रहे हो। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, साइड में काम करने वाले लोग हैं, रोज कमाने वाले लोग हैं, वहां हमको काम करना होता है। एंक्रोचमेंट अगेन एक बड़ा इशू रहा है अर्बन एरियाज का, वहां आपको एक डक्ट बनाना है, साइकिल ट्रैक बनाना है, कोई स्मार्ट रोड बनानी है, अगेन बहुत ही डाउंटिंग टास्क है कि वहाँ उनको आप हटाएं और हटा करके आप अपना रोड बनाएं। इट्स नॉट ए मैटर ऑफ इन सीटू डेवलपमेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी कि आपको वहीं बना करके वहीं बसा देंगे, आपको रिहैबिलिटेट करना है, उसे पूरी तरह से हटा करके दूसरी जगह भेजना है ताकि वहाँ का लुक अच्छा दिखाई पड़े, वहाँ की जितनी यूटिलिटीज़ हैं हम उस डक्ट में शामिल कर सकें।
चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की हमारे पाइपलाइंस हों, नीचे जा रही हैं आपके, आप जहाँ बैठे हुए हैं उसके नीचे से सैकड़ों सालों से ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन या सीवर लाइन वहाँ पर बिछी हुई है, उसके ऊपर आप कुछ काम कर रहे हैं, मुश्किल है। इसके बावजूद हम लोग सफल हुए हैं। हम लोगों का विज़न ये है कि शहर वासियों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए, हम लोगों की पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट होना चाहिए, हम लोगों के अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं जिससे हमारा और जो हमारे हेरिटेज प्लेसेज हैं जिनसे हम लोग स्पिरिचुअली टचड रहते हैं, उनके प्रति समर्पित रहते हैं, हमारी भावनाएं उनसे जुड़ी होती रहती हैं, उसको मेंटेन करते हुए फिर हम उसमें और स्मार्टनेस लेकर के आए। ये हमारा विजन था कि हम पुराने को बचाते हुए नया कुछ ऐसा लेके आए जिससे हमारी लाइफ, हमारी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें इजाफा हो, सुधार हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इट हैज़ बीन वेरी टॉक्ड अबाउट इन द कंट्री और व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल सिनेरियो, व्हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर टू दैट एक्सटेंट विच वी हैव थॉट ऑफ। दो दिन पहले आपने हाउडी में, हाउडी मोदी वाले कार्यक्रम में देखा होगा, व्हेन ट्रंप वाज स्पीकिंग ही आल्सो यूज्ड द वर्ड रेड टैप। मैंने बड़े गौर से सुना उस वर्ड को, रेड टैप ट्रंप ने बोला था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने नहीं। दैट मीन्स ये रेड टैपिज्म वर्ल्ड वाइड फेनोमिना है, रही है, ये खत्म होनी चाहिए। इंडिया में जब से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया है काम में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है, खासकर गवर्नमेंट मशीनरी जैसे काम करती है ट्रांसपेरेंट वे में काम होने लगा है। हमारे ऑक्शंस, हमारे टेंडर्स ई टेंडर में कन्वर्ट हो गए हैं, ई ऑक्शन में कन्वर्ट हुए हैं। हम लोग अकाउंटेबल हैं, एक्सेसिबल तो है ही, अकाउंटेबल हैं। आप कोई भी चीज़ हमसे कभी भी मांग सकते हैं, आम आदमी मांग सकता है, लेकिन जब हमको इंडस्ट्री स्थापित करनी होती है तो बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी स्टेजेज होती हैं, उनको भी हमको पार करना होता है। वो हम सुविधा दें, आसानी से होना चाहिए। मैं चाहे स्टैंडअप योजना के तहत कोई काम करता हूँ या स्टार्टअप योजना के तहत मैं कोई अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, जो एनओसी है, एनओसी मुझे टाइम पे मिल जानी चाहिए। मेरा अपना घर, वहाँ जाने का रास्ता मुझे ठीक से मिल जाए, मेरी इंडस्ट्री को जाने वाला रास्ता ठीक से हो, मुझे रॉ मटेरियल कहीं से मिल जाए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए मारा मारा ना फिरना पड़े, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, ड्रिंकिंग वाटर, गार्बेज मेरे घर के पास में डंप यार्ड ना हो, अगर हो तो तुरंत निकलना चाहिए, वहाँ से लिफ्ट होना चाहिए, बिकॉज यू कैन नॉट थ्रो अवे योर गार्बेज टू अनदर वंस हाउस और यार्ड। एक प्लेस तो तय करना ही है, पूरे शहर में 40-45 लैक्स की पॉपुलेशन वाला यह शहर, इसमें आप एक एक किसी पॉइंट पर तो गार्बेज पॉइंट नहीं बना सकते, हर गली का वेस्ट निकल करके एक चौराहे पर, एक सर्किल पे आता है या किनारे आता है जहां हम लोगों ने डंप यार्ड बना रखे हैं, लेकिन वहां से टाइमली लिफ्टिंग होते रहना चाहिए। या हम ऐसा स्मार्ट सॉल्यूशन दें कि गली से भी जब आप अपनी कार्ट में उसको लेकर के आ रहे हो, वो कार्ट ही हम हाइड्रोलिक कार्ट उसको दें, कार उसको दें, व्हीकल दें, और आराम से वो दूसरे बड़े व्हीकल में उसे डाल सकते हो। ये स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये सब आता है। मेरा
हमारी टीम का ये विजन था कि हम यहाँ पर स्वच्छ वातावरण दें, उसके लिए प्रयास करें। अच्छा ट्रैफिक, साफ सुथरा ट्रैफिक चलना चाहिए, इसके लिए ITMS इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम मेरे आने से पहले यहाँ पर बन चुका था उसको लागू किया जाए, किया गया, चल भी रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स अभी और हैं, लेकिन जब हम ICCC के क्षेत्र में जाएंगे, आफ्टरनून में आप वो प्रेजेंटेशन देखोगे, आप पाएंगे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट, आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस मिलेंगे, आपके SMS आने शुरू होंगे, डेटा आपको तैयार किया जाना है, करना है, चाहे वो RTO के पास में डेटा हो या नेशनल लेवल का डेटा है, हमको मर्ज करके, जब तक आपके पास में डेटा नहीं हो, जब तक व्हीकल का नंबर, ये किसका व्हीकल है, उसका लेटेस्ट मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर आपके पास में नहीं हो, ID नहीं हो, तब तक आप SMS कैसे भेजोगे। ये SMS बेस्ड है, ये कैमरा, आपके जो कैमरे हैं उससे फोटो आपको खींच करके एक इमेज आपके पास में आ रही है। अगेन इसमें टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का भी बड़ा रोल रहता है। स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं, कहां पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं आ रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है, या वायर टूट गया है, किस इलाके में हमारा सीवर सिस्टम चोक हो गया है, कहां ओवरफ्लो कर रहा है, वो सारी चीजें इससे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ दिस फैसिलिटीज जो पब्लिक को चाहिए। आपके पास में वाईफाई कनेक्शन है, सब जगह हम लोगों ने वाईफाई कनेक्शंस, ऐसे ऐसे पॉइंट्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मॉल्स, आपके ये जिस होटल में आप ठहरे हुए हैं, यहाँ आप हैं इस वक्त, उसके ठीक बराबर वाला आप जरा मार्केट देखिए, शाम को आप इस मार्केट में आइए, आपको आश्चर्य हो, क्या हम लोग कानपुर में हैं या हम इंडिया में रहते हैं क्या? इंदौर, सूरत, भोपाल अच्छे हमारे शहर हैं, शंघाई से तुलना करोगे, शाम को आकर के देखिए, यहां पर यहीं से ऊपर से देखिए कितना खूबसूरत मार्केट आप लोगों ने डेवलप किया है, बनाया है। कुछ प्रॉब्लम्स सब जगह होती हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर भी वाईफाई रहे, वाईफाई कनेक्शन इज देयर। पॉल्यूशन कंट्रोल, अगेन एक विजन है कि हमको स्वच्छ हवा मिलनी चाहिए, हम उसको मेजर तो करें कि हमारा लेवल क्या है। अनफॉर्चुनेटली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो वो इक्विपमेंट है वो ऐसे एरिया में इंस्टॉल्ड है जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है, और वही कानपुर का एवरेज शो कर रहा है। कानपुर, कोई कहता ना कि इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, हैड बीन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। एक जगह का रिपोर्ट आप सब जगह नहीं ले जा सकते, आपसे ऐसे एवरेजिंग नहीं की जा सकती है, इसलिए हमने पूरे शहर में 25-30 ऐसे पॉइंट तैयार किए हैं। हमारे पास में इंटरनेशनल लेवल का जू है, आप देख के आइए जू, कानपुर का जू, आप सोच भी नहीं सकते कि जू में ये चीजें भी होती हैं। आप टॉय ट्रेन का मजा लीजिए, आप सांप देखिए, मछली देखिए, टाइगर देखिए, क्या क्या चीज नहीं है हमारे जू में। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज देयर, हमारी VC मैडम बैठी हुई है, कैंपस देख के आइए, हमारा पत्थर कॉलेज, पत्थर कॉलेज कितनी आलीशान बिल्डिंग है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, घंटा घर, आपने एक सीरियल देखा होगा, भाभी जी घर पर हैं, देखते हो घर पर हैं, कानपुर का ही है, पुरानी चीज को हम लोगों ने सजो के रखा है। हिस्टोरिकली अगर आप मुझसे कहेंगे 1857 की लड़ाई, बहुत बड़ा योगदान कानपुर शहर का है, बहुत बड़ा योगदान है कानपुर शहर का, मेरठ से शुरुआत हुई है, माना बैरकपुर छावनी से शुरुआत हुई थी, मंगल पांडे ने कुछ किया था, लेकिन ये कानपुर और लखनऊ है जहां पर वो लड़ाई लड़ी गई थी, बड़ी लड़ाई, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, ये जो कानपुर तो उसका सेंटर है,
नाना राव पार्क, आपने देखा होगा, पेशवा नाना जी, उनको वहां से रिपैट्रिएट किया गया, यहां भेज दिया गया, पेंशन पे भेज दिया गया बटूर में। हम उनको संजो करके रखना चाहते हैं, अगेन उनका नाम और ऊंचा करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग पार्क, जितनी भी चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये ऐसा लगेगा कि मैं अपनी अपने प्रोजेक्ट्स को ही आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं। बात आइडिया की है, विजन की है कि एयर, फ्रेश एयर हमको मिले, हमारा यातायात अच्छा हो, हमारी एजुकेशन, हमारा एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। ई पाठशाला आपको मिल रही है, कई ई पाठशाला हम लोगों ने बना दिए हैं। हम लोग आपको गंदगी से मुक्त करें, हमारे ट्रांसफर स्टेशंस वर्किंग कंडीशन में हैं, और अब तो इतनी डिमांड हो गई है उसकी जो ट्रांसफर स्टेशन बनाए गए हैं कि सर मेरे मोहल्ले में, मेरे मोहल्ले में, फलामे में। इनिशियली वी स्टार्टेड विद 6 ट्रांसफर स्टेशंस फ्रॉम वेयर कॉम्पैक्टर्स आर टेकिंग अवे द गार्बेज टू द डंप यार्ड्स। अब जब उसकी सफलता देखी है तो 20 और वार्ड्स में हम लोग ये ट्रांसफर स्टेशन इंस्टॉल करने जा रहे हैं। हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एयर है तो अच्छी हेल्थ है, ड्रिंकिंग वाटर होगा तो आपका पेट खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। लेकिन ओपन जिम जैसी फैसिलिटी सब जगह, 4, 5, 6, 10 जगह हम लोगों ने बनाया, अब इतनी डिमांड है कि साहब मेरे हर पार्क में लगा दीजिए, 100-150 ओपन जिम हम लोग लगाने जा रहे हैं। सफलता ये मिली है। मैडम ने वाटर प्योरिफिकेशन की बात की, नेक्स्ट जनरेशन को अच्छा वाटर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा यदि हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग प्रयास कर रहे हैं, चाहे ये प्रयास हमारा केडीए की तरफ से हो। देखिए स्मार्ट सिटी में कन्वर्जेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शेयर होता है, कन्वर्जेंस, हम कन्वर्ज करते हैं, हमारे जितने भी संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, सबको मिला करके रिजल्ट देना चाहते हैं। वो कन्वर्जेंस चाहे नगर निगम का इंडिपेंडेंट अपने रिसोर्सेज हो, इनके मैन पावर हो, इनकी और जो तरीके हैं, केडीए का अपना है, हमारी कैस्को जो यहाँ पर है कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, उसका अपना रोल है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अपना, सब लोगों को हम लोग कन्वर्ज करते हैं। कुंभ आपने देखा होगा, कुंभ को पहले भी कुंभ हुआ था और इस बार भी कुंभ हुआ है, कानपुर में कुंभ नहीं हुआ था लेकिन ये कानपुर ही था जो पहले वाले कुंभ को प्रभावित कर रहा था, और ये कानपुर ही है जो इस बार के कुंभ को भी कुंभ को प्रभावित किया है। आज का यहाँ का पानी कैसे साफ पानी गया था, कानपुर की टेनरीज, कानपुर के ये, कानपुर का सीवर, बहुत बड़ा रोल कहूं क्या कहूं कि एक बैड नेम में है कि कानपुर के कारण कुंभ में शुद्ध पानी नहीं मिलता था। इस बार क्या हुआ, आप में से बहुत सारे लोग कुंभ में गए होंगे, इंटरनेशनल डिग्निटरीज वहां पर आई थी, हम लोगों ने बनारस में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया था, और वहां से सारे लोगों को 2000 डेलीगेशंस को उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयागराज में लेकर के आएगी, उस समय लाई थी, उस समय कुंभ चल रहा था, और वो पानी शुद्ध पानी सबको मिला था, शुद्ध पानी दुनिया ने तारीफ की उसकी। कहाँ से गया था, यहीं से ही गुजरता है वो पानी, कानपुर और उन्नाव सारी टैनरीज को टैप किया गया था, सारे सीवर वाले नालों को टैप किया गया था, हम लोग उसको सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ लेके गए थे, हम लोग उनको एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ लेकर के गए थे, और कॉन्स्टेंटली हम लोग ये करते जा रहे हैं। स्टॉर्म वाटर एक अलग चीज़ है, फ्लड आती है वो बात अलग है, लेकिन जब नॉर्मल कोर्स में, जब गंगा जी में वाटर डिस्चार्ज बहुत कम होता है, तब हम अपना 100% सीवर टैप करके दूसरी तरफ ले जाते हैं। कवरेज एरिया जहाँ नहीं होता है उसके लिए फिर प्लान की गई है, ये हमारा विजन है कि कानपुर के कारण गंगा जी गंदगी नहीं, गंगा जी में गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंगा के घाट, नमामि गंगे, अगेन कन्वर्जेंस, नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स में देखते ही बनता जो यहाँ के गंगा जी के घाट हैं। आप कभी मौका मिल जाए तो आप जाइए यहाँ पर गंगा बैराजमर, शाम को जाकर देखिए 15-20 हजार लोग घूम रहे हैं वहाँ पर अटल घाट पर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मुझे थोड़ा टाइम मिला, दैट वे आई एम लकी इनफ कि जो प्रोजेक्ट मैंने शुरू किए थे वो अपने आंखों से उसको
मैंने बनते देखा और उसको हमने लॉन्च भी कर दिया है, सब चीज़ों को अटल घाट जाकर के देख के आएगा। शाम को बैठिए वहाँ पर, मज़ा आता है बैठने का। विजन ये है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग कानपुर शहरवासियों को अच्छी सेवाएं दें, हमारी सफलता इसी में होगी। अक्सर मैं कहता हूं मुझे टोरंटो बनने की जरूरत नहीं है, मैं लंदन नहीं बनना चाहता, लेकिन कानपुर अपना पुराना नाम जो कानपुर का था वो बना रहे, और मेरी गिनती इंदौर, भोपाल, सूरत, जो हमारे इंडिया के अच्छे शहर हैं, उनसे कम नहीं होनी चाहिए। हम और आगे बढ़ें और मेहनत करें, मैं कानपुर वासियों से सहयोग की अपेक्षा करता हूं। अक्सर मैंने जब जब भी इस तरह की वर्कशॉप हुई है, जहां मुझे मौका मिला, इवन पब्लिक मीटिंग्स में भी, जब तक आप लोग सहयोग नहीं करोगे, ये शहर आपका है, ये आपके लिए तैयार किया जा रहा है, आप अपने आइडियाज हमको दीजिए, कोई भी आइडिया हम इम्पोज ना करें। किसी ने कहा कि सर आप कह रहे थे गुप्ता जी की हमारी कर्म भूमि है, डेफिनेटली आई ऑल्सो बिलोंग टू सम अदर स्टेट, आई एम नॉट द रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, यू नो मोस्ट ऑफ यू, लेकिन जब तक मैं यहां हूं ये मेरी रियली कर्म भूमि है और मैं बहुत अटैच होकर के काम करता हूं। मेंटेनेंस, जैसे ट्रैफिक वाला काम था भाई, जब तक आप कानपुर वासी ट्रैफिक में सहयोग नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं, जब आप उल्टा चलोगे तो कैसे ट्रैफिक ठीक चलेगा, जब आप लेन ड्राइविंग को अडॉप्ट नहीं करोगे तो कैसे ट्रैफिक मैनेज होगा। और जब आपको हमने ITMS दे दिया है, रेड लाइट सामने दिखाई पड़ रही है, तो किसी भी ट्रैफिक सिपाही के खड़े होने की जरूरत क्यों है। स्मार्ट सॉल्यूशंस की बात आ रही है ना, तो स्मार्ट सॉल्यूशंस इस तरह के सब दिए जा रहे हैं, प्लीज उनका आदर कीजिए। बहुत सारी चीजें देने वाले हम लोग, टाइम मैंने वैसे ही काफ़ी ले लिया है, बहुत सी चीज़ें मैं बताना चाह रहा था लेकिन अभी स्पीकर्स काफ़ी हैं और पूरा दिन पड़ा हुआ है, मौका मिलेगा दोबारा कभी किसी सेशन में मैं इंटरेक्ट करूँगा, जब कभी अगर होगा तो शाम तक। स्टिल कानपुर वासियों से मेरी अपेक्षा रहती है, काफ़ी कुछ ठीक हो चुका है, बहुत कुछ होना बाकी है, आपको हम लोग दूसरे शहरों में भी ले जा सकते हैं, हम लोग इस तरह की एग्जीबिशंस भी करेंगे, जैसे आज का वर्कशॉप है, ऐसे हम लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस लगाई हैं। लेदर वर्क जानते हैं कानपुर का आप लोग, लास्ट ईयर जब मैंने लेदर मेला लगवाया था यहाँ पर, पहली बार लोगों ने देखा कि कानपुर में इस तरह का प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट कानपुर से जाता है लेदर प्रोडक्ट। जब मैंने अलीगढ़ में वो एक्सपो लगवाया था तो अलीगढ़ वासियों ने पहली बार देखा कि ये ताले ही नहीं बनते अलीगढ़ में, कितना गजब का हार्डवेयर वहां बनाया जाता है। मुरादाबाद में जब मैंने कोशिश की थी, हैंडीक्राफ्ट क्या आइटम है, 100% ओरिएंटिंग जो यूनिट्स हैं वो ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं जो अपने फैक्ट्री में बंद होता है, फैक्ट्री से सीधे इंटरनेशनल मार्केट में चला जाता है, हमको पता भी नहीं चलता कि वहां का कैसा कैसा प्रोडक्ट है। लेकिन कानपुर में भी लेदर के साथ में यही हो रहा था, आपने लास्ट ईयर देखा होगा वो सारे प्रोडक्ट। मैंने कोशिश की थी कि कानपुर वासियों को हम लोग दिखाएं, डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर में भी हम लोगों ने वो डिस्प्ले किया था। अब फिर हम लोग, पब्लिक की डिमांड है, बहुत पॉपुलर डिमांड है कि सर ये और अच्छा होना चाहिए। 29 तारीख से फिर एक और लेदर मेला सेम प्लेस पर हम लोग करने जा रहे हैं, बड़ा लेदर मेला जो हमारी CLE संस्था है उसके माध्यम से फिर लेदर मेला हम आयोजित करेंगे। तो ये तरीके होते हैं पब्लिक को अवेयर करने के, कोशिश की जा रही है कि हम लोग अपना बेस्ट दें, इंदौर से हम लोग सीखें, भोपाल से हम लोग सीखें, कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा लगता है। आज का यही हमने इसीलिए ये सेशन और ये ईलैट्स के साथ में हम लोग बैठे हैं ताकि और लोग यहाँ आएँ। मैंने अपनी बात बताई कानपुर की स्मार्ट सिटी इस समय कैसा चल रहा, उसकी मैंने अपनी पोजीशन रखने की कोशिश की, लेकिन हम आप लोगों से बहुत सुनना चाहते हैं। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मेंटेनेंस की प्रॉब्लम जरूर है, मैं सभी लोगों से ये कहूँगा जो भी और सिटीज से लोग आए होंगे, जब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को मेंटेन करने की चिंता नहीं करोगे ये सक्सेसफुल नहीं होगा। स्मार्ट सिटी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे रही है, ये मिशन आपको इस तरह का वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके दे रही है।
लेकिन जिसको आप हैंड ओवर कर रहे हो, अब ये उस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि आप उसकी मेथोडोलॉजी को समझो, उसके विजन को फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि किस विजन को लेकर के ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। अब हाथ में आपके, आपको हम लोग जब हैंड ओवर कर देंगे, अब आप उसको संभाल के रखोगे। खासकर नगर निगम, सभी जगहों की जो जो लोकल बॉडीज हैं, ज़्यादातर प्रोजेक्ट बना करके नगर निगम को हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, चाहे वो सफाई का हो या आपकी गाड़ियाँ आ रही हों, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात हो, कुछ पुलिस को दे दिए जाते हैं, कुछ हम जल निगम के लोगों को दे देते हैं, कुछ हमको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हम लोग देते हैं, हम लोग फीड देंगे आपको, हम बैंकों को भी फीड देंगे, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जोड़ेंगे। अब आप, आपके ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, आरटीओ के ऊपर है, फला 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 उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से संजो करके रखते हो। पब्लिक यदि सजग रहेगी तो सबके घर पर दस्तक देती रहेगी कि ये बना करके आपको दे दिया है, अब आप संभालिए। हर बार स्मार्ट सिटी वाले नहीं आएंगे, ये काम करके चले जाएंगे, लेकिन अब संभाल करके आपको रखना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और मुझे भी मौका मिला। जय हिंद।